ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो जैसे कि आप लोगों ने अब तक ये वाली बात तो नोटिस कर ली होगी कि रेसलमेनिया काफी नजदीक है और हर बार की तरह इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई ज्यादा बहुत सारे बड़े मैचेस के लिए हमें बिल्डअप नहीं दिखा पाई है, ना ही वो मैचेस कंफर्म हुए। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पांच ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में जो कि रेसलमेनिया से पहले अपने रिटर्न भी कर लेंगे और उनके बड़े मैचेस भी हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक बहुत बड़ा मैच, रॉकी रेटिंग्स के बारे में, किसको ट्रीट किया जाएगा रोमन रेंज की तरह और भी काफी सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, कल है फ्राइडे और कल फाइनली आपको देखने को मिलेगा असली अखाड़ा, जहां पर मैं, आयुष, रेसल इंडिया से और थ्री डेक्स चेतन, हम तीनों का ही कोलैब होने वाला है। और हम यहां पर बात करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कि क्या उनके साथ इस समय गलत हो रहा है, कैसी चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही, क्या वो गलत कर रही है। तो एक बहुत ही मस्त यहां पर डिबेट टाइप की होने वाली है, उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना और कल वो वीडियो आने वाली है, तो एक्साइटेड रहो। और आई होप आप लोग ऐसी हमारी सीरीज को सपोर्ट भी करते रहोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट से और बात करते हैं इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में, रेटिंग्स के बारे में। तो यहां पर जो रॉ की व्यूअरशिप थी उसमें काफी ज्यादा उछाला है, क्योंकि लास्ट वीक जो व्यूअरशिप थी इस एलिमिनेशन चेंबर से पहले वो थी 2.462, लेकिन अब वो 12% बढ़ चुकी है और इस हफ्ते 2.771 की व्यूअरशिप मिली मंडे नाइट रॉ को। हालांकि यहां पर फैंस का मानना यह कि एक मिली जुली रॉ थी, यहां पर क्राउड भी डेड था, नेक्स्ट के सारे सुपरस्टार्स भर दिए, ज्यादा कोई बड़ी स्टोरी लाइन नहीं थी यहां पर, लेकिन फिर भी रॉ को यहां पर काफी अच्छी व्यूअरशिप मिली है। और यहां पर हमें क्रेडिट देना होगा एलिमिनेशन चेंबर का, क्योंकि फैंस ने इसी के चलते शायद मंडे नाइट रॉ को इतना ज्यादा देखा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर और ये जुड़े यहां पर वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए कौन सा बड़ा मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 35 में। अब रेसलमेनिया 35 से पहले हो सकता है हमें नाया जैक्सन तमीना की फ्यूड देखने को मिल जाए चैंपियनशिप के लिए, लेकिन जो एक बड़ा मैच प्लान हो रहा है रेसलमेनिया 35 के लिए और ये मैच होगा साशा बैंक्स एंड बेली वर्सेस लीटा एंड ट्रिस स्ट्रैटस के बीच। तो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी बड़े प्लान्स हैं रेसलमेनिया 35 में इस चैंपियनशिप बेल्ट को लेकर। और आपको ये बता दूं कि ट्विटर पर भी इसके रिगार्डिंग काफी कुछ पकड़ा था, तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पर इस समय प्लान कर रही है रेसलमेनिया 35 के लिए बड़ा मैच। और वैसे भी अगर ये मैच होता है तो सब फैंस तो एकदम पागल ही हो जाएंगे, एकदम नई चैंपियनशिप बेल्ट भी आई है और उसके बाद रेसलमेनिया में इतना बड़ा मैच। तो देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे इसको काफी अच्छे तरीके से बुक करती है, क्योंकि अगर हम बात करें एक जस्ट नॉर्मल मैच की तो शायद इतना ज्यादा हमें इस मैच को देखने में मजा नहीं आने वाला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर और ये जुड़ी यहां पर रोमन रेंज की तरह किसे ट्रीट किया जाएगा आने वाले टाइम में, और वो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि लेसी इवांस होने वाली है। उनको लेकर काफी बड़े प्लान्स हैं और जो अपडेट्स भी आ रहे हैं वो ये कि अगर रोंडा राउजी रेसलमेनिया 35 के बाद लीव करती है तो इसमें जो टॉप थ्री फीमेल सुपरस्टार होंगी कंपनी के ऊपर वो होंगी लेसी इवांस, शार्लेट फेयर एंड बैकी लिंच। और यहां पर शार्लेट और बैकी का तो समझ में आता है, वो पहले से अपना नाम काफी बना चुकी है, लेकिन लेसी इवांस को यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त पुश हमें मिलता हुआ दिखाई दे सकते हैं इनकमिंग टाइम में, और शायद वो आपकी फेवरेट भी हो जाए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर और ये जुड़ी है यहाँ पर द डेड मैन दी अंडरटेकर से। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार कास्ट के एक इवेंट में आने वाले अंडरटेकर, और इसकी जो डेट है वो AEW के पहले पेपरव्यू डबल और नथिंग में, हालांकि इसका सीधा कोई कनेक्शन नहीं है उस अपीयरेंस को लेकर, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो स्टार कास्ट में अगर अंडरटेकर जा रहे हैं तो यहाँ पर WWE इस बात से ज़रा भी खुश नहीं है और विंस मैकमैन तो इस बात से ज़रा भी खुश नहीं है। वो नहीं चाहते कि अंडरटेकर वहाँ पर अपीयर हो, फिर चाहे वो किसी जस्टिक अपीयरेंस के लिए हो, ऑब्वियसली वहाँ पर वो मैच से जाकर रसल नहीं करने वाले। इसको लेकर विंस मैकमैन काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, वो WWE में तो नहीं आ रहे लेकिन वहाँ पर जाकर वो अपीयरेंस कर रहे हैं। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि अंडरटेकर ने अब यहाँ पर अपने नेम को भी बदल लिया है, जैसे कि आप लोग जानते हैं WWE नेम्स का ट्रेडमार्क करवा लेती है, वो उन्हीं के नाम पर रजिस्टर हो जाते हैं। तो इस तरह से अंडरटेकर WWE के बाहर अपने अंडरटेकर वाले नेम को यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके चलते वो यहाँ पर यूज़ रहे हैं अपना मार्क कैलवे वाला नेम जो कि उनका असली नेम है, और इसके अलावा यहां पर अपने आपको अपने निकनेम द डेड मैन के नाम से भी बुलाने लगे हैं। तो ऐसे में यहां पर हम कह सकते हैं एकदम से ऐसा होना कि अंडरटेकर बड़ी मनी की डिमांड कर रहे हैं, उनका नाम भी चेंज हो रहा है, वो विंस मैकमैन से भी खुश नहीं है, विंस मैकमैन उनसे खुश नहीं है, तो कुछ ना कुछ यहां पर गड़बड़ी चल रही है इनके बीच। अब रेसलमेनिया 35 के बारे में तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे उनके साथ क्या चल रहा है, उनका मैच होगा भी या नहीं ये तो कुछ कंफर्म ही नहीं है। तो देखते हैं आगे WWE कैसे अंडरटेकर को बुक कर भी पाती है, होगा भी या नहीं, क्या अंडरटेकर हमें WWE में देखने को मिलेंगे भी नहीं, लेकिन फिलहाल उन्होंने कर लिया अपना नेम चेंज और स्टार कास्ट की जो उनकी अपीयरेंस होने वाली है उसको लेकर तो यहां पर WWE बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के ऊपर और ये जुड़ी यहां पर पांच ऐसे रिटर्न्स जो कि हमें देखने को मिल जाएंगे रेसलमेनिया 35 से पहले रूमर्स के हिसाब से, और इनके लिए बड़े मैच ही प्लान्स हो रहे हैं रेसलमेनिया 35 में। और ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट केविन ओवंस, सेकंड सैमी ज़ेन, थर्ड जॉन सीना, फोर्थ कर्ट एंगल एंड फिफ्थ नेम यहाँ पर काफी बड़ा है जो कि है बटिस्टा का। अब यहाँ पर केविन ओवंस का तो समझ में आता है, वो तो शायद हमें देखने को मिल ही जाएंगे, तो पहले से ही अपनी वीडियोस में बताए जा रहे हैं। सैमी ज़ेन शायद हमें कोई सरप्राइज रिटर्न करते हुए दिखा दे सकते हैं, जॉन सीना कभी मैं कहूँगा एक तरह से ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि वो रेसलमेनिया 35 में अपीयर होंगे। अभी ये नहीं कह सकते उनका मैच कौन सा होगा, कर्ट एंगल की बात करें तो उनका भी रिटायरमेंट मैच यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग नेम है वो है यहाँ पर बटिस्टा का। बटिस्टा का आना रेसलमेनिया 35 में सच में बहुत ज़्यादा रेसलमेनिया 35 को हेल्प कर सकता है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई ऐसा इतना बड़ा वाला नेम नहीं है, मतलब नेम्स
यहाँ पर बड़े लेकिन इतने भी बड़े वाले नहीं जैसे हम हर बार की रेसलमेनिया से कंपेयर करें। तो इसमें यहाँ पर बटिस्टा का लाना शायद एक डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेजर मूव हो सकता है इस साल की रेसलमेनिया 35 के लिए। और जाते थे आपको यहाँ पर एक बोनस अपडेट दे दूँ और शायद थोड़े रोमांटिक लोगों के लिए कि शार्लेट फेयर और इस समय एंड्राडे रिलेशनशिप में। तो बस आज की वीडियो ये तक थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यार लाइक की बना तो कहीं मत जाना, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं इस बार के रेसलमेनिया को लेकर, अंडरटेकर के सिचुएशन के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग क्या चाहते हैं कौन सा मैच देखने को मिले बड़ा रेसलमेनिया 35 में, जिन जिन सुपरस्टार को मैंने इस वीडियो में मेंशन किया। साथ ही साथ आप लोग कर लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई की लेटेस्ट अपडेट्स डेली जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।